जिला सिरमौर में बारिश आफत बनकर आई है और भारी बारिश से ग्रामीण क्षेत्र का संपर्क पूरी तरह से जिला मुख्यालय से कट चुका है। कई क्षेत्र में लोग पैदल चलकर अपने गंतव्य तक पहुंचने को मजबूर हैं। ग्राम पंचायत आज भोज इलाके के अम्बियोवा में डंगा ढहने और मार्ग ध्वस्त होने के कारण मुख्य सड़क पर बड़े वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, जिसमें एक एम्बुलेंस भी फंसी हुई है। क्षेत्र की एकमात्र सड़क जो डेढ़ दर्जन गाँव को पावटा साहिब और विकास नगर से जोड़ती है, बंद होने की स्थिति में है। क्षेत्र के लोग पैदल चलने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने इस समस्या के समाधान के लिए स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभाग से संपर्क किया, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी बढ़ रही है और उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो वो सड़कों पर उतरेंगे और प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए नाहन से दिलीप सिंह की रिपोर्ट। ये देखिए आप, जो जनता है वो विवश हो रही है पैदल चलने के लिए, क्योंकि अम्बोया के पास रोड ब्लॉक हो चुका है। आप इस स्थिति को देखिए कि इसको खाला कहेंगे कि नाला कहेंगे। पूरी तरह भर चुका है अम्बोया खाले में, बहुत ज़्यादा भर गया। एक घराट भी यहाँ दब गया है, बहुत घराट भर दब गया है। अब देखिए पब्लिक बेचारे, दूर दराज के लोग, कहाँ कहाँ के लोग अपने क्षेत्र के लिए जा रहे हैं। और बस की सुविधा एक ऐसी कॉमन सुविधा है कि आप हर कोई व्यक्ति उस बस में बैठ के अपने गंतव्य पर पहुंचता है। कहाँ से है जी आप? पोंटा से। पोंटा से कहाँ जाना? राजपुर। बस के कारण पैदल ही जाना पड़ रहा आपको। आप कहाँ से है जी? कहाँ जाना? टारूबेला जाना। देखिए इनको इस सड़क के कारण, देखिए टारूबेला तक इन लोग विवश हैं पैदल चलने के लिए। अम्बोया से लगभग 10 से 15 किलोमीटर का सफ़र ऐसी बरसात में, ये विडम्बना है सर इस आंजभोज की, कि आंजभोज को लोग, अम्बोया एक ऐसी जगह है जो आप आंजभोज को शुरुआत करता है। आप इससे पहले डांडा है और उसके बाद दूसरी पंचायत अम्बोया है, जहाँ से हमारी आंजभोज गिरिपार क्षेत्र शुरू होता है। और ये बहुत पुराना क्षेत्र है, सबसे पुराना स्कूल आंजभोज का यहीं था अम्बोया में, हॉस्टल यहीं पर था। लेकिन इस रास्ते के कारण आज एक अम्बोया की जो इमेज पूरे प्रदेश में, पूरे इलाके, और ये देखिए रास्ता पूरा ही चला गया है। ये बड़ा सा पाइप भी यहाँ से निकल चुका है। देखिए स्थिति, देखिए ये हमारे गांव की विडम्बना है कि हम इस प्रलय को देख रहे हैं, साक्षी बन रहे हैं। देखिए आप, और पूरा का पूरा डंगा गिर चुका है। देखिए आगे पाइप पड़ा है। कारण कुछ नहीं है कि पूरे कलवट जो कि उस रास्ते में 5 से 10 बने हैं वो सारे बंद है, जिसके कारण कि ये आज स्थिति पूरी आंजभोज को देखने को मजबूर कर दिया है। ये पेड़ साथ साथ गिरने वाला है। ये हमारे राकेश भंडारी जी की मलकियत है, इस मलकियत का पूरी की पूरी ढांग गिरने वाली है, तैयारी पे पेड़ गिरने का। पीडब्ल्यूडी विभाग भी, देखिए हम अगर हम बात रखें तो पीडब्ल्यूडी विभाग भी कुछ नहीं कर रहा है। हमने SC साहब, पीडब्ल्यूडी, JE साहब, SDO साहब सबके पास इसकी दरख्वास्त लगाई है, लेकिन कलवट खोलने में उन्होंने ऑर्डर किया था कि जल्द से जल्द खुल जाएंगे, लेकिन खुला नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि हमारे रोड पर एम्बुलेंस भी फंस चुकी है। ये आप देख सकते हैं एम्बुलेंस फंस चुकी है अम्बोया रोड पर। ये देख सकते हैं आप रास्ते का ये हाल है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज हिमाचल.com।